हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 अप टू 12 क्वेश्चन किए थे. क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एक्स रेस टू पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. आपके पास इंटरवल है 0 टू 1, पाई बाय 2 टू पाई, 0 टू पाई बाय 2 एंड नन ऑफ दीज फोर्थ वन है ऑप्शन आपकी. तो फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स वो आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना किस इंटरवल पर है. तो सबसे पहले एफ एक्स है हमारे पास एक्स रेस टू बार 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 एफ डैश एक्स निकालेंगे. 100 एक्स रेस टू बार 99, साइन का हो जाएगा कोस, 1 का हो जाएगा 0. सबसे पहला इंटरवल लेते हैं 0 से 1. 0 से 1 का मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स रेस टू बार 99 रहेगा ग्रेटर देन 0. तो 100 इंटू एक्स रेस टू बार 99 भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0. अब कोस एक्स पे आते हैं, तो 0 से 1 का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो कोस एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो एफ डैश एक्स जो है आपका 100 एक्स रेस टू बार 99 प्लस कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0. तो ग्रेटर देन 0 हो गया एफ डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सेकेंड इंटरवल लेते हैं पाई बाई 2 से पाई. पाई बाई 2 टू पाई का मतलब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14. एक्स के लिए पुट करें तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14. 3.14 होती है, तो पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 3.14 डिवाइडेड बाई 2, अप्रॉक्सीमेट 1.57. ये अप्रॉक्सीमेट ही लिए, नहीं तो वैल्यू डिजिट और आगे भी होती है इसकी, अप्रॉक्सीमेट ले लिया 3.14, 1.57 टू पाई तक वैल्यू है 3.14. तो एक्स रेस टू बार 99 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 100. एक्स रेस टू बार 99 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 100. तो जो पाई बाई 2 से पाई पर हम वैल्यू ले रहे हैं 1.57 से आगे 3.14 तक, तो जो वैल्यू ले रहे हैं आप वो उस पर x कैसा रहेगा, पॉजिटिव. तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, 100 एक्स रेस टू बार 99 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 100. आप कोस x पे आते हैं, पाई बाई 2 से पाई यानी सेकेंड क्वाड्रेंट. कोस की वैल्यू जनरली होती है माइनस 1 टू 1, पर पाई बाई 2 से पाई पर आपका क्वाड्रेंट हो गया सेकेंड. सेकेंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव. कोस नेगेटिव होता है तो कोस एक्स हो जाएगा लेस देन 0. कोस तो लेस देन 0 है, बट 100 एक्स रेस टू बार 99 की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 100. तो ग्रेटर देन 100 है, ये 0 से लेस कितना भी हो जाए, कितना लेस जाएगा, माइनस 1 तक जाएगा, इससे पीछे ही नहीं जा सकता. तो 100 एक्स रेस टू बार 99 क्या हो जाएगा, कोस एक्स से ग्रेटर. तो ये वैल्यू कोस एक्स से ग्रेटर है, तो इन दोनों का एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0. सो एफ एक्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई. 0 टू पाई बाई 2 लेंगी तो एक्स रेस टू बार 99 आपका पॉजिटिव रहेगा, कोस भी पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों का सम भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव. तो 100 एक्स रेस टू बार 99 प्लस कोस एक्स, दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0. सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2. तो जो आपकी ऑप्शन डी है यानी नन ऑफ दीज, ये वाली करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि डिक्रीजिंग दिखाना था और हमने सब पे क्या दिखाया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ऑप्शन डी का मतलब नन ऑफ दीज वाला हो जाएगा, किसी पर भी ये डिक्रीजिंग नहीं है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. 14 में क्या है हमारे पास, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए. ए की मिनिमम वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 टू 2. इंटरवल दे रखा है आपको 1 टू 2. एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस ए. एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x प्लस ए. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको क्या लेना होता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. सो 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 टू 2. इंटरवल दे रखा है, तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, 2x इज ग्रेटर देन माइनस ए, x इज ग्रेटर देन माइनस ए बाई 2. इंटरवल है 1 टू 2, तो x लाइज बिटवीन 1 टू 2. एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो x क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन माइनस ए बाई 2. यहाँ पर x क्या है आपका, ग्रेटर देन 1. तो लीस्ट वैल्यू निकालनी है, इंटरवल सेम है, यहाँ पर वैल्यू दे रहा है ग्रेटर देन 1, यहाँ पर दे रहा है माइनस ए बाई 2. तो लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट, क्योंकि ये गिवन है, ये आपकी डोमेन है, यानी गिवन है, आपको सिर्फ इसमें चेक करना है. डोमेन तो नहीं कह सकते, मतलब जो गिवन वैल्यूज़ हैं, जो गिवन इंटरवल है आपका, वो 1 टू 2 है, x इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ x ग्रेटर देन माइनस ए बाई 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल. यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज़ माइनस 2. तब जाके ये क्या हो जाएगा, अगर a की वैल्यू कम से कम माइनस 2 पुट करेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है -1 to 1 पर। तो सबसे पहला स्टेप वही एफ डैश एक्स, वन एक्स का डेरिवेटिव 1 1/x का हो जाएगा -1/x स्क्वायर। एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर बन गए x-1 x+1। डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब सिर्फ न्यूमिनेटर का चेक करना आपको, वैल्यू क्या आएंगी, जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 1, यहाँ से आएगी -1। तो आपकी जो इंटरवल बन जाएंगी वो बनेंगे -1 1 पे -∞ से -1, फिर बनेगा आपका -1 to 1 एंड 1 to ∞। -∞ to -1, -1 to 1 एंड 1 to ∞। एफ डैश एक्स चेक करना है, तो एफ डैश एक्स से आपका ये डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है। न्यूमिनेटर में चेक करते हैं, -∞ से -1 में कोई भी वैल्यू -2 पुट की, -2 -1 नेगेटिव, -2 +1 नेगेटिव, तो -1 हो जाएगा प्लस। -1 से 1 में 0 पुट करते हैं, 0 -1 नेगेटिव, 0 +1 पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 1 to ∞ में कोई भी वैल्यू 3 पुट करें तो ये दोनों क्या रहेंगे पॉजिटिव, तो रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस, पॉजिटिव किस किस पर आ रहा है, -∞ to -1 एंड 1 to ∞। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ to -1 एंड 1 to ∞। तो आपका जो क्वेश्चन था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना था -1 to 1 में, तो आपका जो फंक्शन है वो -1 to 1 में क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग आ रहा है इस पर। नेगेटिव किस पे है, नेगेटिव है आपका -1 to 1 पर। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1, ये आपको शो करना था। जो -1 to 1 है आपका वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, तो यहाँ पर -1 to 1 पर एफ डैश एक्स क्या आ रहा है नेगेटिव। नेक्स्ट है प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग, सेकेंड में डिक्रीजिंग शो करना है। लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स का पहले डेरिवेटिव लॉग का हो जाएगा 1/sin, साइन का हो जाएगा कोस, कोस बाय साइन बन जाएगा कोट एक्स। आप एफ डैश एक्स आ गया आपका कोट एक्स, कोट एक्स को चेक करना पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले लेते हैं 0 से π/2, 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में एफ डैश एक्स क्या रहेगा आपका ग्रेटर देन 0। तो कोट एक्स इज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अब π/2 से पाई यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोट एक्स कैसा होता है नेगेटिव होता है, एफ डैश एक्स आ गया लेस देन 0, इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल π/2 to π। तो π/2 to π पर तो हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 0 से π/2 पर इंक्रीजिंग हो गया क्योंकि ये कोट एक्स बना था, फर्स्ट में पॉजिटिव सेकेंड में नेगेटिव। नेक्स्ट है लॉग ऑफ कोस एक्स, ये भी सेम प्रोसीजर है, लॉग कोस का हो जाएगा 1/cos और कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो -tan बनेगा। 0 से π/2 पर tan पॉजिटिव होता है, पर एफ डैश एक्स -tan है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 0 से π/2 पर आ जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। π/2 से π यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है बट माइनस आगे लगा हुआ है एफ डैश एक्स में, तो -± हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा π/2 to π। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। प्रूव दैट द फंक्शन x³ - 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग इन R, कंप्लीट रियल लाइन पर इसको इंक्रीजिंग शो करना है। एफ डैश एक्स निकाला, ये बन गया आपका 3x² - 6x + 3, 3 कॉमन, ये बन गया आपका x-1 का होल स्क्वायर, x² + 1 - 2x, x-1 का होल स्क्वायर। अब 3 भी पॉजिटिव है, होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, 3 भी ग्रेटर देन 0 है, होल स्क्वायर भी क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 × x-1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, यही शो करना है। कोई इंटरवल नहीं बनाने की ज़रूरत क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग ही रहेगा ही। नेक्स्ट है 19। द इंटरवल फॉर विच y इज इक्वल टू x² e^(-x) इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल पर होगा, -∞ to ∞, -2 to 0, 2 to ∞ या 0 to 2, ये चेक करना है। x² e^(-x), तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव क्या बनेगा x² e^(-x) का हो जाएगा 2x, फिर ये एज इट इज़ और इसका क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का एज इट इज़ e^(-x) - 1, यहाँ से x e^(-x) कॉमन ले लिया, क्या रह गया 2 - x। अब यहाँ पर हम इंटरवल बनाते हैं, एक्सपोनेंशियल तो हमेशा पॉजिटिव होता है,
ई रेज टू पावर माइनस एक्स तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती है 2.71। इसको नीचे ले जाएंगे, वन बाई ई रेज टू पावर एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो बच गया एक्स और टू माइनस एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो आएगी, यहाँ से ज़ीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी टू। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक ज़ीरो और एक टू। इंटरवल क्या बन जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ज़ीरो टू टू एंड टू टू इन्फिनिटी। अब ये इंटरवल माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो, ज़ीरो टू टू, टू टू इन्फिनिटी पे चेक कर लेते हैं हम वैल्यू कहाँ पर ये इंक्रीजिंग रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो कोई भी वैल्यू, माइनस वन पुट करते हैं, ये माइनस वन नेगेटिव, यहाँ माइनस वन पुट करेंगे एक्स की वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस। ज़ीरो से टू में वन पुट कर लेते हैं, यहाँ पर वन, ये वन पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, रिजल्ट इज पॉजिटिव। टू टू इन्फिनिटी में आप थ्री पुट कर लें, थ्री ये नेगेटिव हो जाएगा, टू माइनस थ्री माइनस वन, तो प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग ऑन ज़ीरो टू टू। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ज़ीरो टू टू और डिक्रीजिंग रहेगा इन दो इंटरवल पर आपको सिर्फ इंक्रीजिंग बताना था। इंटरवल जिस पर इंक्रीजिंग है तो वो क्या आ गया आपका, ज़ीरो टू टू, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये थी एक्सरसाइज 6.2, फिनिश हो गई है। थैंक यू।